हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं राधिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां एक बार फिर बात करेंगे किसान आंदोलन पर। किसानों के आंदोलन के आज 71 दिन पूरे हो गए हैं। 71वें दिन तक भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सका, एक कई सवाल उठ खड़े होते हैं, आखिर इस आंदोलन का समाधान क्या है? अब तक कोई हल क्यों नहीं ढूंढा जा सका? क्यों गतिरोध अब भी बरकरार है? कुछ दिनों बाद ही क्यों बदली किलो की जगह, किलो की रीपोजिशनिंग या बैकफुट पर सरकार? वो कीले जो किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगाई गई थी, उनकी जगहों को क्यों बदल दिया गया? दुनिया भर में किसान आंदोलन पर बात, आखिर हल कब निकलेगा? कैथल से हमारे साथ लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत जी बोलिए हल्ला। मैडम जी, एक जो 7 जिलों में क्या मैट बंद किया है, या तो 22 जिलों में बंद कर देते हैं कई, या फिर 7 जिलों में क्या फायदा है, या फिर इसको भी खोल दे। इसमें बच्चों को भी परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, या तो पूरे 22 जिले में बंद किए या फिर 7 जिलों को भी खोल दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो इंटरनेट को बंद किया गया है किसान आंदोलन के मद्देनजर, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, जिस पर अपनी बात लाजपत रख रहे थे। लाजपत की तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, जुड़िए इसके साथ और अपनी बेबाक प्रतिक्रिया यहाँ पर आप रख सकते हैं। इंटरनेट बंद है, क्यों दूसरे सेक्टर को प्रभावित कर रही है सरकार, ये एक बड़ा सवाल। किलो की रीपोजिशनिंग, क्या है सरकार का नया प्लान, रीपोजिशनिंग क्यों की गई किलो की? हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, जुड़िए, ये मंच आप सभी के लिए। किसान आंदोलन पर जुड़िए, किसान आंदोलन पर बोलिए। संसद में भी कृषि कानून पर संग्राम हुआ, आप कह सकते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। ये गतिरोध कब तक, ये गतिरोध क्यों? किसानों ने जो मांगा है उस पर सरकार साफ कह रही है कि जो प्रस्ताव दे दिया अब वही आखिरी प्रस्ताव है, उस पर आप या तो मन बना लीजिए या और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि मैं सिर्फ एक कॉल दूर हूं, लेकिन उसके बाद क्या? वो कॉल कौन करेगा, किस नंबर पर वो फोन होने हैं, इस पर अभी तक सरकार कुछ बोली नहीं। पलवल से राजवीर हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्ते, कहिए। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि ये भोले वाले किसान हैं, इसमें किसी भी पार्टी के लिए राजनीति करना जरूरी नहीं है। ये राजनीति करने के बावजूद मतलब अपना हक मांग रहे हैं, आज से नहीं, ये तो अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जी, इस समस्या को हल कर लिया जाए, प्रधानमंत्री की वाह वाह हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पर यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो अपना ठीक ठाक से निपटा लिया जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो, देश का, ये भी देश का ही नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजवीर की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन के 71 दिन हो गए हैं, 71वें दिन तक भी कोई समाधान नहीं और दूर दूर तक कोई हल निकलता नजर भी नहीं आ रहा। क्यों किसानों की मौत पर सरकार गंभीर नहीं है, अभी तक किसी तरह का कोई बयान भी नहीं आया। इंटरनेट बंद, क्यों दूसरे सेक्टर को प्रभावित किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कीलों की रीपोजिशनिंग क्यों की गई है, ये एक सवाल है। जो कील, जो सरिये गाड़े गए थे किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उन्हें हटाया जाने लगा तो ऐसा लगा कि गलती सुधारा जा रहा है, कि ये अन्नदाता हैं, ये किसान हैं, इनके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में उसे दूसरे तरीके से दूसरी जगह पर लगाया जाने लगा। तो इसे ये जो रीपोजिशनिंग दिखी है, ये भी कई सारे सवाल खड़े करती है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, झज्जर से राजेश ने फोन किया है। राजेश जी बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते मैम। एक तरफ तो सरकार डिजिटल इंडिया का सपना देखती है और दूसरी तरफ हमारा नेट बंद कर रखा है एक हफ्ते से, ऐसे कैसे काम चलेगा? सरकार को कुछ सोचना चाहिए, इंटरनेट बंद करने का कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस चीज का। धीरे धीरे सरकार इंटरनेट सेवाओं को बहाल भी कर रही है, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था सरकार ने। मैम यहाँ बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आ रही है, बहुत सी समस्या हो रही है आमजन को। बहाल कर देना चाहिए सरकार को।
हाँ मैम, सोचना चाहिए इसके बारे में, बहुत दिन हो गए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन कीजिए, इनके तरह आप भी फोन करें, नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल का ये मंच, ये कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में युवा किसान दिख रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि ये साल युवा क्रांति का साल है। किसान आंदोलन पर जो चीजें आप देख रहे हैं, इंटरनेट को बंद किए जाने को लेकर, ये देखिए किलो की रिपोजिशनिंग को लेकर, इस पर अपनी बात रखिए। गुरुग्राम से हमें राम ने फोन किया। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। हल्ला, मैं बताना चाहूंगा हमारे प्रधान सेवक जी, एक कॉल दूर मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो नित और नियत को साफ करें, स्पष्ट करें। जो आपके एमपी किसानों को खालिस्तान बता रहे हैं, जिहादी बता रहे हैं, और चौक चौराहे पे भी जो भक्त हैं वो भी लड़ने को आते हैं, पहले तो इस करें कि भाई ये आतंकी हैं या जिहादी हैं, खालिस्तानी हैं। एक काल दूर आपको किरे 71 दिन हो गए और आप एक काल दूर करते हैं। अब तक जो भेजे थे आपने, और वो आपने जो आप कहते हो इनसे कि अब जो चर्चा चली है 12 दौर की बात हो चुकी है, दोबारा भी एक काल कह रहे हो। जब आपके आपको खालिस्तान कहते थे जिहादी, तो आपने किस लिए बुलाया इनको। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कील वगैरह जो लगाए जा रहे हैं, इतिहास में पहले कभी देखा आपने? अब ये कीलों पे करोड़ों रुपए खरबों रुपए खर्चे कर दे, फिर इनको उखाड़ने के भी खर्चा पैदा होगा, बजाय हल मसला करने के बजाय उलझाया जा रहा है। इनको ये पता लग चुका है मोदी जी को, भाई ये मेरे वोट नहीं है और ये परेशान करना ही करना है इनको, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इससे आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब ये लोग यूं कहते हैं कि भाई कंधों पे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, भाई किसानों के कंधों पे बंदूक चलाई जा रही है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, मोदी जी किसान तो एक बंदा है, दुगनी कीमत बनाने के लिए आप डीजल पेट्रोल के रोज रेट बढ़ा रहे हो, यह मतलब है कि करे तो ये जाना तो किसान की जेब से है, हर आम नागरिक की जेब से जाना है। इस महंगाई के बारे में कब सोचोगे, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कब सोचोगे? ये तो सिर्फ दुगनी कीमत सिर्फ बहाना है। टोटली चीज आप उठा के देख लो, आप ये 6,000 जो दिए ना, 6 की बजाय 60,000 किसानों की जेब में, नहीं आम जनता की जेब से निकाल ले जाए। जब तक इन चीजों पर आम जनता ध्यान नहीं देगी, बहुत ही, मैं पहले भी कह चुका आपको, हालात बहुत खराब है। चंद लोगों के किसान के बहाने, चंद मतलब है कि उसको अरबपतियों को, भारत माँ को उनके हाथों में सौंपने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण होता है, यानी दो ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण तो रास्ता दिखाता है, एक ब्राह्मण का रास्ता भटकाता है। इन चीजों को समझ जाइए। अब वो जो ब्राह्मण है मरने पे भी खा रहा है और जन्मदिन भी खा रहा है, इस सोचने की जरूरत है। यानी मतलब है कि सामने को बहाना लेकर कि तेरे पाप मुक्त होंगे, जबकि हमारा ये शास्त्र कहते हैं अगर आपका मन साफ नहीं तो पूरे विश्व के तीर्थों का कोई महत्व नहीं है। इन चीज को समझना होगा, मैं दावे से कह रहा हूं आप ये हालात और खराब होने वाले हैं। धन्यवाद, शब्द बहुत कुछ है, फिर बात करूंगा। धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। राम जी की तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम जहां हम आपको सुनने के लिए हाजिर होते हैं, आप इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर अपने बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन पर बोलिए, और इस आंदोलन के जो साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, जैसे इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया, उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। ये जो किलो की रिपोजिशनिंग हो रही है किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, इस पर भी आपके जहन में कोई सवाल उठ रहा है क्या? धीरज हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज जी बोलिए। हल्ला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए, इससे जनता बहुत दुखी हो रही है, आम जनता को भी काफी दुखी होना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इसे वापस लेने को तैयार नहीं है। धीरज जी, क्या ऑप्शन बचता है ऐसे में? सरकार को ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे तो किसानों के साथ बातचीत तो करनी चाहिए, एक कोल दो किस्से का बात होती है, आमने सामने बैठ के उनसे समाधान किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया, पलवल से धीरज ने फोन किया था, आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। किसान आंदोलन को लेकर जो भी आपके जहन में चल रहा है, उस पर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। कांग्रेस का किसानों के समर्थन में शांति मार्च दिखा, हम देख रहे हैं कि अब जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, जो नुकीले तार लगाए गए थे, वो जस के तस हैं, लेकिन जो कीले गाड़ी गई थी सड़कों में, जो लोहे के सरिये गाड़े गए थे, उन्हें अब हटाया जा रहा है और एक तरीके से उनकी रीपोजिशनिंग की जा रही है, उन्हें अलग जगहों पर अब लगाया जा रहा है। बहुत कम वक्त में इस रीपोजिशनिंग की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी,
ये भी एक बड़ा सवाल है। रणधीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और दर्शक। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। हल्ला, हेलो, बोलिए सर। मैम ये जो ना ये सरकार है ये किले लगा रही है और बैरिकेड कर रही है, ऐसे किसान करने वाले नहीं है, ना ही किलों से डरेंगे। जो भी मर्जी प्रयास कर ले, किसान है अपने तीनों कानून रद्द करा के रखेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, इनकी तरह आप भी फोन करें। हल्ला बोल के इस मंच पर आप सभी के फोन कॉल्स इस कार्यक्रम की सार्थकता, लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए, हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय, आपकी प्रतिक्रिया ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, ये किसान आंदोलन पर अपडेट तस्वीरों के साथ दिखाते हुए हम आपसे पूछ रहे हैं, जो भी जहन में चल रहा है इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर, उस पर आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। सिंगो बॉर्डर पर एक किसान की मौत, लगातार किसान की मौत का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है, हम कई मौतें देख चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी समाधान तक नहीं पहुंचे। ये कई सारी ऐसे बिंदु हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। हमारे साथ कैथल से एक दर्शक जुड़ी हैं, आशा ने फोन किया है। आशा जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला नमस्कार मैम, हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ पे नेट की, और हमारी स्टडी भी रुकी हुई है। बिल्कुल, अभी क्या कहा जा रहा है आशा? इंटरनेट सेवाओं को बहाल किए जाने को लेकर क्या कहा जा रहा है, किस तरह की परेशानी पढ़ाई के अलावा भी पेश आ रही है वो भी बताएं। यस मैम, बहुत ज्यादा पढ़ाई की हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। चलिए आशा, आप टीवी को सुनकर बात करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में संवाद संभव नहीं है, हालांकि आपकी परेशानी पहुंची हम तक कि इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद किए जाने की वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे आप लोग और इसका खासा नुकसान हो रहा है, तो इस पर भी सरकार को एक बार ध्यान देना होगा, सोचना चाहिए कि जो दूसरे सेक्टर से आखिर वो क्यों प्रभावित हों। आप जो चीजें कर रहे हैं आपके हिसाब से वो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हैं, लेकिन इसे जितना जल्दी बहाल कर दिया जाए लोगों के लिए वो उतना ही ज्यादा सरल हो जाएगा अपने वापस पुराने दिनचर्या में लौटने के लिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन खुली हुई है। फतेहाबाद से एक दर्शक जुड़े हैं हमें, रमेश ने फोन किया है। रमेश जी नमस्कार, बोलिए। हल्ला नमस्कार मैडम, रमेश ढाका बोल रहा हूँ, गांव बनगांव से और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। बोलिए। ऐसा है मैडम, हमारे किसानों का आंकड़ा है वो 60 से ऊपर जा चुका है, इतनी क्या सरकार ने जो रवैया बनाया है अड़ियल रवैया के कहां तक उचित है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि 60 किसानों की मौत का मतलब है 60 हल का रुकना। धरती के अंदर जो हल चलता है ना मैडम, जो हल धरती में चलता है जिससे गेहूं तैयार होती है, 60 किसानों का आंकड़ा अभी तक जो जा चुका है मौत का आंकड़ा, यानी कि देश को कितना संकट झेलना पड़ेगा। एक हल का रुकना मतलब 5 से 10 एकड़ जमीन की बुआई बंद हो चुकी है, गेहूं बीजना बंद हो जाएगा ऐसे हालातों में। हाँ बताइए मैडम, मुझे जवाब देगी क्या सरकार हमारी, क्या भरपाई हो पाएगी अन्नदाता की? रमेश जी क्या लगता है सरकार सुनेगी? बिल्कुल मैडम, सरकार को सुनना होगा हमारे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को बड़े आदर से नाम लेना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इतना अड़ियल रवैया ना बनाया जाए और सरकार को जल्द से जल्द अन्नदाता को देखा जाए, किस हालातों में हम किसान खेतों में रात गुजारते हैं, कड़ाके की ठंड में कैसे फसलों के अंदर पानी दिया जाता है, कैसे ऊपर से आफत आसमानी आफत बरस जाती है, किसान बर्बाद हो जाते हैं। उस तब जाकर हम आप तक बड़े बड़े टीवी चैनलों को भी मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि आपके जो टिफिन के अंदर जो गर्म गर्म फुलके जो आप लोग खाते हैं वो हमारे एक एक पसीने की बूंद से जो है हम सिंचाई तब जाके वहां तक पहुंचता है। तो मेरा निवेदन रहेगा अन्नदाता को ना इतना परेशान किया जाए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए, और हमारे किसान जो कितनी ठंड में जो सर्दी पूरी दिल्ली के बॉर्डर पे काटती है, उन सभी किसानों को बड़ी खुशहाली के साथ तीनों बिलों को कैंसिल करके और वापसी उनको घर भेजा जाए मैडम। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। क्या रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
हल्ला बोल में एक बार फिर से लौट आए हैं आप सभी के फोन कॉल्स को अटेंड करने के लिए, आपको सुनने के लिए, समझने के लिए। तो फोन करने का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दीजिए। मुद्दा वही है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के 71 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हो पाया है इस आंदोलन का। लगातार हम एक बहुत लंबे आंदोलन के रूप में इसे देख रहे हैं और निकट भविष्य में इसका कोई समाधान दिख भी नहीं रहा है। जिस तरह का गतिरोध है, जिस तरह का टकराव है दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों अपने अपने रुख पर कायम है। इस बीच इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। किसानों को 26 जनवरी को जो हुआ दिल्ली में आईटीओ चौक पर या लाल किले पर, उसके बाद किसानों को रोकने के लिए तरह तरह के हम जो सुरक्षा लेयर्स है वो देख रहे हैं, चाहे वो लोहे के बैरिकेड्स हों, कटीले तार हों, सरिये हों, नुकीले कील हों, इन सभी अवरोधों से किसानों का मार्ग जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। राम मेहर जुड़ गए हमारे साथ जींद से। राम मेहर जी बोलिए हल्ला। एक तो ये जींद जिले का इंटरनेट बंद कर रखा है, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये इंटरनेट बंद कर रखा है, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जी। कैसी परेशानियां हो रही हैं, थोड़ा और खुल के बात कीजिए सर। एक तो ये बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, जो बूढ़ों की पेंशन थी वो नहीं मिल रही, गरीब आदमियों को जो राशन मिलता था वो नहीं मिल रहा है बगैर इंटरनेट के। चले बहुत शुक्रिया राम मेहर, आपने फोन किया, आगे भी फोन करें आप। कुलजीत जुड़े हमारे साथ, एक और दर्शक कुलदीप ने फोन किया। कुलदीप जी बोलिए। सर बोलिए, अगर आवाज मिल रही है तो अपनी बात रखें। सरकार को जी कानून वापस लेने चाहिए जी, क्योंकि मोदी ने भी बात करनी चाहिए जी किसानों के साथ जी, कितने किसान मर गए जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बात करनी चाहिए लेकिन सरकार बात कर नहीं रही, ऐसे में क्या करें? क्या जी आपने कहा कि प्रधानमंत्री को भी बात करनी चाहिए लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है, विकल्प क्या है? मतलब थोड़ा किसानों को भी कुछ पीछे हटना चाहिए जी, यार मोदी को भी बात करनी चाहिए जरूर जी। दोनों पक्षों को नरमी बरतनी होगी। चलिए बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आगे भी जरूर जुड़े। कुलदीप की तरह आप भी फोन कीजिए, हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए, इस मंच के साथ जुड़े, अपनी बात रखें। बहुत कम वक्त बचता है, हालांकि जितने दर्शक अभी तक जुड़े हैं ज्यादातर में दर्शकों की जो शिकायतें हैं वो इंटरनेट को लेकर हैं कि इंटरनेट को क्यों बंद कर दिया गया, इस सेवा को बहाल किया जाना चाहिए, खासे नुकसान जो हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है, व्यापारियों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिन लोगों को इंटरनेट की वजह से तमाम दूसरी तरीके की सरकारी सुविधाएं मिलती थी जैसे कि फ्री का राशन मिलता था, वो सारी चीजें जो है वो सुविधाएं हैं वो बाधित हुई हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से सुनील जुड़े हैं। सुनील जी बोलिए हल्ला। मैडम पहली बात तो आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो लाइव, लोगों की राय ले रहे हो, शुक्रिया मैडम। दूसरी बात मैडम ये है, ये आप केवल एक पक्ष दिखा रहे हो, जो कॉलिंग अपस कॉलिंग आ रही है ना, ये सब किसानों की कॉलिंग आ रही है आपके पास, तो आप कीजिए तो आप, आपको किसने मना किया है? जो है ना आम इंसान तो बिजी अपने काम में है, जो किसान है अपना बिजी है अपने काम में, खेतों में, ये सारी जो है ना खलिस्तानी वगैरह बैठे हुए यहाँ पर, उनको फ्री खाना मिल रहा है, फ्री दारू मिल रही है, सोच नहीं रहे कि इन्होंने पीछे कितना बड़ा कांड कर दिया देश के अंदर। 26 जनवरी को तिरंगा फहरा के एक कम्युनिटी का, एक खलिस्तानियों का, ऊपर से ये लोग फिर दोबारा कह रहे हैं 6 तारीख को करेंगे हम। ये कौन तय करेगा सर कि ये खालिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है? मैडम आप 26 जनवरी ने क्या, उन्होंने क्या किया सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया? मैडम नहीं पकड़ा ना, वो कहाँ पकड़ा, पकड़ लिया ना सर, पकड़ लिया, उन्हें पकड़ लिया, उसी पर केस हो रहे हैं, उन्हीं पर एक्शन हो रहा है और नए मामले दर्ज हो रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती लेकिन वो जो थे वो उपद्रवी थे, और अभी आपने जो कहा खालिस्तानी, आप ही की बात मान लेते हैं, कौन तय करेगा खालिस्तानी है कि हिंदुस्तानी सर? क्या कर रहे हैं ये लोग? सरकार ने बोला, पुलिस को डंडे मारे, ठीक है, आम जनता ने परेशान किया, सरकार ने क्या बोला, तुम जाओ भाई, तुम अपना प्रदर्शन करो, रूट ये है, उस रूट पे नहीं गए ये लोग, देखो ना आप इसका जो नाम इतना बदनाम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये अच्छा कर रहे हैं? ये आम इंसान करेगा, काम नहीं करेगा ना, जिससे देश का नाम खराब हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये सारे के सारे लोग जो ऐसे बैठे हुए हैं, गलत का जो पॉलिटिक्स का एक मोहरा बन रहे हैं, ये सब गलत है ना मैडम। चलिए बहुत शुक्रिया सुनील,
वो पहले कॉलर जिन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं वो देश को बदनाम करने के लिए और देश की छवि जिस तरह से खराब हो रही है उसको भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। निसंदेह लाल किले पर जो हुआ, जो तिरंगे का अपमान हुआ, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और उसके लिए सारा हिंदुस्तान एक पक्ष में उठ के खड़ा हुआ था कि वो नहीं सहा जाएगा। बहरहाल जो चीजें इस वक्त नजर आ रही हैं इस किसान आंदोलन में वो ये कि गतिरोध दोनों पक्षों की तरफ से कायम है, कोई भी पक्ष जो है वो नरमी बरतता नहीं दिख रहा। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए और किसान आंदोलन पर बोलिए। जगदीप ने हमें फोन किया है, जगदीप बोलिए। जी मैडम, मैं जगदीप बोल रहा हूँ, बुला चुका से। हाँ यहाँ पे मैडम हमारी कम से कम एक हफ्ते से इंटरनेट सेवा बंद है, तो हम ये क्या समझेंगे सरकार हमारे ऊपर ये चीजें थोप रही है, बिल्कुल ही गलत कर रही है सरकार ये। अगर किसान कुछ चाहते हैं तो उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है? उनसे बात करनी चाहिए मैडम, बात करके किसी चीज पे किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए इनको, लेकिन इन्होंने तो हमें भी बंदी बना दी है। हम तो यहाँ पे ये समझे कि हमारी कनेक्टिविटी कट चुकी है, जो हमारे बाहर हैं कोई भाई बंधु हैं कुछ भी, हम किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इसको एंटी बता रहे हैं ना, जितने भी बता रहे हैं किसान आंदोलन को गलत बता रहे हैं, वो सब वही है जो वो कहते हैं ना कि गमलों में धनिया उगा के खाते हैं। किसी ने किसानी में जाके यहाँ तो आप खेतों में काम करो, वहां काम करो, उनके साथ पता लगेगा, आप बैठो वहां पे चार दिन तभी पता लगेगा कि ये तो डिक्टेटरशिप होगी एक तरह की सरकार की। हमें यहाँ पे बंद कर दिया, हमारे भाई बंधुओं को वहां पे बॉर्डर पे बंद कर दिया, ये तो कुछ बात ही ना हुई। या तो उनके साथ जाके बॉर्डर पे बैठ के बात करो उनके साथ, वहां पे पता लगेगा ना कौन क्या है उनका। आप अपना पक्ष रखो, उनको अपना पक्ष रखने दो, कुछ बात हो, समझौता हो। तो इसी बात ये मैं देख रहा हूँ आपके टीवी स्क्रीन से, यहाँ पे कटीली तारे लगा रखी है, 10 लेवल की बैरिकेडिंग है। तो मैडम एक इन्होंने वो बना दिया LOC बना दिए, दो अपने ही देश के अंदर एक वो बना दिया LOC बना रखी है। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। चले बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन करें आप हल्ला बोल के इस मंच पर। आप सभी के विचार आमंत्रित हैं, जरूर फोन कीजिए और अपनी राय रखिए। किसान आंदोलन के समर्थन में युवा किसान दिख रहे हैं इस वक्त, हल्ला बोल के साथ जुड़िए, दीजिए अपनी राय किसान आंदोलन पर। आपको दोनों पक्षों में से जिसे लेकर या जो भी चहल पहल चल रहा है इस आंदोलन को लेकर, अभी 71 दिन हो गए, कोई कम वक्त नहीं होता, उस पर जिस मुद्दे पर आपको बात करनी है आप फोन कर सकते हैं। तस्वीरों को दिखाते हुए सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह की ये इंतजाम जो तैयारियां की जा रही हैं किसानों को रोकने के लिए, उस पर भी आप बोलिए। जींद में जो किसान महापंचायत हुई, राकेश टिकैत ने मंच से सरकार को ललकारते हुए जब ये चेतावनी दी कि या तो आप हमारी मांगे मान लीजिए या फिर आप भविष्य में तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको अब नहीं चुनेंगे और आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा, इस पर भी आप बोल सकते हैं। बहुत कम वक्त बचा है, हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और दीजिए अपनी राय। किसान आंदोलन में इस बीच 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। अपडेट्स के लिए आगे भी बने रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।